भारतीय पेशेवरों को लग सकता है बड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा सस्पेंड करने पर कर रहे विचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा सस्पेंड करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत में हजारों IT पेशेवरों का इस वीजा के जरिए काम करने का सपना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण अमेरिका में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के मद्देनजर H-1B और कुछ अन्य वीजा को सस्पेंड करने की योजनाएं बनाई जा रही है। एक खबर के अनुसार H-1B और कुछ अन्य वीजा के लिए यह प्रस्तावित निलंबन अमेरिका में बाहर से आने वाले प्रोफेशनल को बड़ा झटका दे सकता है। प्रस्तावित निलंबन 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सरकार के नए वित्तीय वर्ष में बढ़ सकता है, जब कई नए वीजा जारी किए जाते हैं। निजी अखबार ने वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहले से ही वीजा धारकों के लिए प्रभावित होने की संभावना नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से इस पर सफाई देते हुए कहा गया है कि अभी इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और प्रशासन विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में इस खबर का खंडन नहीं किया है। ऐसे में भारतीय पेशेवरों के लिए कोरोना काल में एक और परेशानी खड़ी हो गई है। निजी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन इस समय बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जूझ रहा है। अमेरिका में बेरोजगारी का स्तर रिकॉर्ड पार कर चुका है, ऐसे में सरकार पर काफी दबाव है। दूसरी ओर से विपक्ष भी बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्रंप को घेर रहा है, ऐसे में ट्रंप प्रशासन कुछ सख्त कदम उठाने को मजबूर नजर आ रहा है। हालांकि ट्रंप तर्क दे रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए बाहर से आने वाले को सीमित करने की जरूरत है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि अमेरिकियों को नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा के आवेदन शुल्क को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया में सबसे प्रभावित देश अमेरिका है। इस जानलेवा संक्रमण की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, ऐसे में अमेरिका में बेरोजगारी का स्तर काफी ऊपर चला गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 14% तक हो गई है। यहाँ पर पिछले 2 महीने में करीब 3.3 करोड़ अमेरिकियों की नौकरी गई है, कोरोना संकट के चलते जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई है। ऐसे में अमेरिका में बेरोजगारी के तहत भत्ता पाने वालों ने वहां पर रिकॉर्ड संख्या में आवेदन दिए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।